गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कक्षा 6 में हिंदी विषय में कहानी लेखन करते हैं। बच्चों, पेज नंबर 3 में स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 2, नीचे दो प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं। नीचे दो प्रसिद्ध कहानियों के चित्र मतलब कि जो फेमस है, उस कहानी को हम सब जानते हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए। उनके नाम यानी कि शीर्षक दे रहे हैं हमें। यहाँ पे दो कहानियां हैं, एक बातूनी कछुआ और एक प्यासा कौवा, तो हम उसके बारे में आज कहानी लिखेंगे। सबसे पहले बातूनी कछुआ। बातूनी कछुआ यानी कि जो कछुआ सबसे ज्यादा बोलता हो, वो बिना बात के बोले ही जा रहा हो, ऐसा। एक तालाब में दो हंस रहते थे, उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था, वह बहुत बातूनी था। तीनों पक्के मित्र थे। एक साल वर्षा कम होने से तालाब का पानी सूख गया। एक साल बरसात बहुत कम हुई, बरसात कम होने से तालाब का पानी सूख गया। अब जब तालाब में पानी ही नहीं रहेगा तो हंस और कछुआ कैसे रहेगा, दोनों हंस कैसे रहेंगे, ठीक है। एक साल वर्षा कम होने से तालाब का पानी सूख गया था। तीनों ने सोचा कि हम किसी दूसरे गांव के तालाब में जाते हैं। वे एक लकड़ी ले आए। लकड़ी का सिरा दोनों हंसों ने एक एक करके पकड़ लिया। लकड़ी का सिरा यानी एक लकड़ी है, उसका एक भाग एक हंस ने, दूसरा भाग दूसरे हंस ने पकड़ लिया। फिर बीच का भाग कछुए ने अपनी चोंच से पकड़ लिया। दोनों हंसों ने कछुए को समझाया कि दोस्त, तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी। तुम बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे, तुम्हें तो उठना भी नहीं आता। तो हंसों ने अपने दोस्त को अच्छी तरह से समझाया, लेकिन फिर उसने कछुए ने हंसों की बात मानी या नहीं मानी वो हम देखते हैं। बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ पड़े। उड़ते उड़ते एक गांव आया। वो दूसरे गांव में तो जा ही रहे थे, तो उड़ते उड़ते एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर हंसों को उड़ते हुए देखने को जमा हुए। गांव के लोग देख रहे थे, अचानक नजर ऊपर गई तो देख रहे थे, तो एक लकड़ी दोनों तरफ से दो हंसों ने पकड़ रखी थी, बीच में कछुए ने पकड़ रखी थी, ऐसे कैसे उड़ रहे हैं। तो उड़ते हुए देखने को जमा हो गए। जमा होना मतलब कि इकट्ठे हो गए, एक तरह की भीड़ हो गई। कछुए से रहा न गया और बोलने के लिए उसने अपना मुंह खोला। अब कछुआ बातूनी तो था ही, वो लोगों को देखकर उसका मन बोलने के लिए कर रहा था, तो और बोलने के लिए उसने अपना मुंह खोला। मुंह खोलते ही लकड़ी उसके मुंह से छूट गई। बोलते ही लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। नीचे गिरते ही कछुआ मर गया। सी, अब इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। अधिक बोलना बुरी आदत है, इसके कारण बड़ा संकट भी आ सकता है। अधिक बोलोगे, अधिक बोलना बुरी आदत होती है और उसके कारण बड़ा संकट भी आ सकता है। अभी कछुए को देखो, बिना फालतू में बोल रहा था। दो हंस थे, उसके दोस्त थे, वो उसे दूसरे गांव ले जा रहे थे, वो बिना फालतू में बोल रहा था। बोलते बोलते लकड़ी उसे छूट गई और वो नीचे गिर गया और वो मर गया। मतलब कि अधिक बोलने से उसके जीवन में बड़ा संकट आ गया, वो मर गया। चलो बच्चों, अब हम बातूनी कछुआ की कहानी पे चर्चा करते हैं। चित्रपाठ में आप देख रहे हो, तीन तरह के चित्र दे रखे हैं। हम उन चित्रों के आधार पर बातूनी कछुआ की कहानी बनाते हैं और फिर हम कहानी लिखेंगे। एक तालाब में दो हंस रहते थे, उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। तीनों पक्के मित्र थे। एक साल वर्षा कम होने से तालाब का पानी सूख गया था। तीनों ने सोचा कि हम दूसरे गांव के तालाब में जाते हैं। वे एक लकड़ी ले आए। लकड़ी का सिरा दोनों हंसों ने एक एक करके अपने मुंह से पकड़ लिया। ये लकड़ी का सिरा यानी कि एक लकड़ी का एक हिस्सा एक हंस ने पकड़ा और उसी लकड़ी का दूसरा हिस्सा कोना दूसरे हंस ने पकड़ा। दोनों तरफ से दोनों हंसों ने लकड़ी को पकड़ रखा था। बीच का भाग कछुए ने
अपनी चोंच से पकड़ लिया और बीच में कछुए को कह दिया कि तुम पकड़ लो। दोनों हंसों ने कछुए को समझाया कि दोस्त तुम रास्ते में बोलना मत। क्यों समझाया कछुए को? क्योंकि कछुआ बातूनी था, वो बोले बिना नहीं रह सकता था। तो हंसों ने समझाया, दोस्त तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ पड़े। उड़ते उड़ते एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर हंसों को उड़ते हुए देखने को जमा हो गए। दोनों हंस ने लकड़ी की दोनों तरफ से पकड़ रखा था। एक हंस ने एक कोना पकड़ रखा था, दूसरे हंस से दूसरा कोना पकड़ रहा था, बीच में कछुए ने पकड़ रखा था। तो ऐसे वो उड़ रहे थे तो गांव के लोग देखने लगे। अब कछुए से रहा न गया और बोलने के लिए उसने अपना मुंह खोला। मुंह खोलते ही लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही कछुआ मर गया। अभी इतनी ऊंचाई से गिरेगा तो वो मरेगा ही ना। तो हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? बहुत बोलना बुरी आदत है, इसके कारण बहुत बड़ा संकट भी आ सकता है। ठीक है ना, हमने बातूनी कछुए से ये समझ लिया। तो अब हम भी उतना ही बोलेंगे जितना जरूरी है। ठीक है, अब हम प्यासा कौवा कहानी पर चर्चा करते हैं। इसमें भी तीन चित्र दे रखे हैं तो हम इन चित्रों के आधार पर कहानी बनाएंगे। वैसे भी प्यासा कौवा कहानी तो सभी को आती है तो ये तो आप जल्दी से समझ जाओगे। प्यासा कौवा कहानी यानी कि एक कौवा और वो भी प्यासा, तो हम थोड़ा सा तो शीर्षक पढ़ के ही सुन के ही समझ गए हैं कि कहानी में क्या है। एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था। पानी की तलाश में वह इधर उधर भटकने लगा, उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। फिर उसे एक झोपड़ी के पास एक घड़ा मिला। वो भटकने लगा, भटकते भटकते उसे कुछ भी नहीं मिला पानी, कहीं पे भी पानी नहीं मिला। तो उसे एक झोपड़ी के पास एक घड़ा मिला। कौवे ने घड़े में अपनी चोंच डालकर पानी पीने की कोशिश की, लेकिन कौवा अपनी प्यास न बुझा सका क्योंकि घड़े में पानी बहुत कम था। अभी घड़े में पानी बहुत कम था और कौवे ने अपनी चोंच नीचे डालने की कोशिश की तो उसे पानी नहीं मिला क्योंकि पानी बहुत कम था और पानी घड़े के नीचे था। कौवे ने घड़े के पास कंकड़ों का ढेर देखा, उसे एक उपाय सूझा। उसने एक एक करके सारे कंकड़ यानी कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े अपनी चोंच से उठाकर घड़े में डाले। थोड़ी देर में मटके का यानी कि घड़े का पानी ऊपर आ गया, घड़ा यानी मटका। ठीक है, कौवा पानी पीकर उड़ गया। ठीक है ना, अभी हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम बुद्धि से सारी समस्या को हल कर सकते हैं। बुद्धि से हम आने वाली सभी विपत्तियों को, आफतों को, संकटों को हम उसका निवारण कर सकते हैं। ठीक है, अब हम प्यासा कौवा कहानी पर चर्चा करते हैं। तो प्यासा कौवा कहानी यानी कि एक कौवा था और वह बहुत ही प्यासा था। अब हम आगे की कहानी की चर्चा करते हैं। और वैसे तो ये कहानी आपको पता ही होगी, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में आज देखते हैं। एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था। पानी की तलाश में वह इधर उधर भटकने लगा, उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। फिर उसे एक झोपड़ी के पास एक घड़ा मिला। वो बहुत प्यासा था, पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा, उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। फिर उसे एक झोपड़ी के पास पानी मिला। फिर आगे क्या होता है? कौवे ने घड़े में अपनी चोंच डालकर पानी पीने की कोशिश की। कौवा तो चोंच से ही पानी पिएगा ना। ये घड़ा है, उसमें कौवा, इस घड़े के ऊपर कौवा बैठ गया और उसने अपनी चोंच डालकर पानी पीने की कोशिश की, लेकिन कौवा अपनी प्यास न बुझा सका। घड़े में पानी बहुत कम था। कौवे ने घड़े के पास कंकड़ों का ढेर देखा,
अभी कौवे को एक घड़ा तो मिला, लेकिन जब वो घड़े पर बैठकर, घड़े के ऊपर बैठकर अपनी चोंच से पानी पीने की उसने जब कोशिश की तो वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि घड़े में पानी बहुत ही नीचे था। अब कौवा अपनी प्यास न बुझा सका, तो उसे घड़े के पास कंकड़ों का ढेर मिला। उसने एक उपाय सोचा, उसने एक एक करके सारे कंकड़ अपनी चोंच से उठाकर घड़े में डाले। उसने क्या किया, अपनी चोंच से एक एक कंकड़ उठाकर घड़े में डाले। थोड़ी देर में घड़े का पानी ऊपर आ गया, थोड़ी देर में घड़े का पानी ऊपर आ गया। उसने कंकड़ डालने शुरू किया, फिर घड़े का पानी ऊपर आ गया, कौवा पानी पीकर उड़ गया। अभी हर कहानी से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, हम बुद्धि से सारी समस्या हल कर सकते हैं। हम कई बार समस्या आती है तो हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि अब हम क्या करें, लेकिन इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम बुद्धि से सारी समस्या हल कर सकते हैं। कौवा बुद्धिमान निकला ना, उसने अपनी प्यास जैसे तैसे करके बुझा ली, तो हम बुद्धि से सारी समस्या का हल कर सकते हैं। कौवा और लोमड़ी चित्र दे रखे ना, उस पर हम कहानी बनाते हैं। एक दिन एक कौवे को उड़ते उड़ते एक रोटी मिली। कौवा रोटी लेकर पेड़ की डाल पर जा बैठा। अचानक से एक लोमड़ी पेड़ के नीचे से गुजर रही थी। कौवे के पास रोटी देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसकी भी इच्छा हो गई, क्यों ना मैं कौवे से रोटी छीन लूं, कैसे भी उसे उल्लू बनाकर उसकी झूठी तारीफ करके उससे मैं रोटी छीन लूं। ठीक है, लोमड़ी कौवे से रोटी पाना चाहती थी। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया आप गीत बहुत अच्छा गाते हो, मुझे आपका गीत सुनने की इच्छा हो रही है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया, उसने अपने पैर के पंजे से रोटी दबाई। कौवे का जो पैर का पंजा होता है ना, उसकी तले उसने रोटी दबा दी और काँव काँव करने लगा। अभी कौवे ने अपनी अकल लगाई है यहाँ पर, क्योंकि अगर वो पंजे के तले रोटी नहीं दबाता और काँव काँव करता तो उसकी चोंच से वो रोटी गिर जाती नीचे। लेकिन कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया, उसने अपने पैर के पंजे से रोटी दबाई और काँव काँव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित हो गई और वहाँ से निकल गई। कौवे ने आराम से अपनी रोटी खा ली। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें कभी दूसरों की खुशामद भरी बातों में नहीं आना चाहिए। खुशामद भरी बातें यानी कि कोई हमारी झूठी तारीफ करे, कोई हमें उल्लू बनाए, ठीक है, तो हमें वो कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, कौवा और लोमड़ी कहानी बनाकर लिखिए। अब हम कहानी बनाते हैं, कहानी बना भी चुके हैं। अब कौवा और लोमड़ी की जो मैंने कहानी लिखी है वो आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखी है, मैंने उसके आधार पर कहानी लिखी है। लेकिन कौवा और लोमड़ी की मैं एक दूसरी कहानी सुनाती हूँ। एक दिन उड़ते उड़ते कौवे को एक रोटी मिली। रोटी देखकर कौवा बहुत खुश हुआ, वह रोटी लेकर पेड़ की डाल पर जा बैठा। पेड़ की डाल पर जा बैठा और जब रोटी खाने लगा तब वहां से एक लोमड़ी गुजर रही थी नीचे से। लोमड़ी ने देखा, अरे कौवे के पास तो बहुत अच्छी रोटी है, क्यों ना मैं इसकी झूठी तारीफ करके इससे छीन लूं। वह लोमड़ी कौवे से बोली, कौवे भैया आप गाना बहुत अच्छे गाते हो, आपका गाना सुनने की इच्छा है। कौवा उसकी झूठी बातों में आ गया और फूला न समाया, यानी कि मन ही मन बहुत आनंदित हुआ, खुश हुआ कि देखो इसे तो मेरा गाना बहुत पसंद है। तो वो क्या करने लगा, उसके जो मुंह में रोटी थी उसका तो उसे ध्यान नहीं रहा नहीं, और वह लोमड़ी की झूठी बातों में आ गया और वह गाने लगा, काँव काँव करने लगा, और उसकी चोंच से रोटी नीचे गिर गई और लोमड़ी उसे लेकर भाग गई। अभी ऐसी ही कुछ कहानी है लेकिन थोड़ी उल्टी है। इसमें कौवा समझदार है,
कौवा लोमड़ी की बातों में नहीं आता। तो चलो हम ये कहानी लिखते हैं, कौवा और लोमड़ी। एक दिन एक कौवे को उड़ते उड़ते एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर पेड़ की डाल पर जा बैठा। ठीक है, वह रोटी मिली, उसे रोटी मिली तो वह पेड़ की डाल पर जा बैठा। अचानक से एक लोमड़ी पेड़ के नीचे से गुजर रही थी। कौवे के पास रोटी देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी होना मतलब ललचा गई वो, उसकी भी इच्छा हुई कि मैं भी रोटी खाऊं। लोमड़ी कौवे से रोटी पाना चाहती थी। लोमड़ी ने सोचा कि कौवे से कैसे भी करके मैं रोटी छीन लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया आप गीत बहुत अच्छा गाते हो, मुझे आपका गीत सुनने की इच्छा हो रही है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया कि लोमड़ी ने मुझे एक बार पहले भी बेवकूफ बनाया था। उसने अपने तेल के पंजे से रोटी बदली। पिछली बार उसने क्या किया था, मुंह में रोटी थी और काऊ काऊ करने लगा तो वो रोटी गिर गई। इस बार उसने क्या किया, तेल के पंजे तले रोटी दबा और काऊ काऊ करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित हो गई। आश्चर्यचकित यानी कि उसे अचंभा हुआ, वो चौंकनी रह गई कि ये कैसे हो गया, और वहां से निकल गई। वो चौंकनी हो गई, आश्चर्यचकित हो गई और वहां से निकल गई। उसे समझ में आ गया कि इस बार मेरी चालाकी नहीं चलने वाली। फिर कौवे ने आराम से अपनी रोटी खा ली। सीख, हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है, हमें कभी दूसरों की खुशामद भरी बातों में नहीं आना चाहिए। हमें कभी दूसरों की खुशामद भरी बातों में नहीं आना चाहिए। खुशामद भरी बातें यानी कि जो हमारी झूठी तारीफें करते हैं, जो अपना काम निकलवाना चाहते हैं, उसकी बातों में हमें कभी नहीं आना चाहिए। हमें कभी दूसरों की खुशामद भरी बातों में नहीं आना चाहिए। ठीक है।